हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम डी ऑफिशियल। और आज फिर से आप सबके सामने होने वाली है एक और बेहतरीन टीमें। जी हाँ, दो बेहतरीन टीमें, एक नहीं दो बेहतरीन टीमें टूर्नामेंट की, जिनका नाम है लोकेश गेमर बनाम टीजी माफिया स्पोर्ट्स। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। जब बात करें तो LR7 की तरफ से शुभम, विशाल, सैडो और LR7 शुभम, यह पूरी की पूरी लोकेश गेमर की स्क्वाड है इसमें खेलने वाले इनके टीजी माफिया स्पोर्ट्स। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। अमन कोहली साथ के साथ माफिया लवर, वुल्फ और सैजी, पूरी की पूरी स्क्वाड एक साथ खेलने वाली है। तो देखते हैं बैटल कैसा होने वाला है जब दोनों टीमें आमने सामने होने वाली हैं। जी हाँ, यहाँ पे देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है। अमन कोहली की अगुवाई में आई यहाँ पे टीजी माफिया स्पोर्ट्स कैसा परफॉर्म करेगी अगेंस्ट में लोकेश गेमर। तो लोकेश गेमर की स्क्वाड भी पूरा होल्ड करके खेलती हुई नजर आ रही है इस मुकाबले के अंदर। पहला ही राउंड चल रहा है अभी, दोनों टीमों के बीच में नीचे बंदा है, कोहली का फर्स्ट ओवर आ चुका है। तो कोहली ने ऐलान कर दिया इस मुकाबले के अंदर कि मैच जीतने के लिए आए इस टूर्नामेंट का। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। टीम डीसीएस चैंपियनशिप का मैच चल रहा है जिसके अंदर दो बेहतरीन टीमें टीजी माफिया स्पोर्ट्स और साथ ही साथ लोकेश गेमर के साथ 2v4 की फाइट हो गई। मुसीबत में आती हुई नजर आ रही है लोकेश गेमर की स्क्वाड, दो ही बंदे बच गए शिवम और साथ ही साथ विशाल। शिवम और विशाल क्या कुछ करने वाले हैं। बात करें विशाल का एक और मैच आता हुआ नजर आ रहा है और कंप्लीट कर देंगे फाइट, 2v3 हो गई है। मैच में मुसीबतों का पहाड़ बनता हुआ नजर आ रहा है अब टीजी माफिया के लिए भी, जहां तक लग रहा है मेरे को, क्योंकि शिवम और विशाल पूरा 100% कर रहे हैं। जिस हिसाब से स्ट्रेटजी लगाई जा रही है काफी उम्दा लगाई जा रही है। तो देखने वाली बात होगी विशाल और शिवम की जोड़ी क्या कुछ करने वाली है इस मुकाबले के अंदर। तीसरे की फाइट डैमेज जरूर किया है, हाथ जरूर नजर आ सकते हैं पर क्या ही नॉक निकाला है। 1-2 सिचुएशन कर दिया, शिवम अकेले रह गए, क्या कुछ शिवम कर पाएंगे देखने वाली बात होगी। पर अब 1-3 सिचुएशन हो गया, जब तक अमन कोहली देता है पूरा मैच निकालने का दावोदार रखते हैं अपने ऊपर। फिलहाल पहला ही राउंड यहाँ पे बात करें तो टीजी माफिया को लगता था कि टीम नजर आ रही है। एक और बंदे को नॉक लिया है, दो बंदे नॉक लिए, स्वम क्या क्लच मार सकते हैं भाई, व्हाट द फक इज दैट भाई, क्या कर दिया ये। दूसरा राउंड ऑब्जर्वेटिंग का नया लोकेश गेमर की स्क्वाड, शिवम ने क्या ही क्रैच मारा, 1v3 सिचुएशन क्या ही निकाली। लो हेल्थ पे भी लगा कि एक राउंड नहीं ले जा पाएंगे, पर क्या ही गेम निकाल गए, क्या ही सिचुएशन संभाली उन्होंने और 1v3 फाइट इजीली ले गए। फिलहाल फिर से स्क्वाड आमने सामने होने वाली है, अमन कोहली की लीड में पूरी टीजी माफिया की स्क्वाड रोक के खेल रही है गेम। पता है फालतू का रस नहीं करना है, फालतू रस ले जाएगा, ले डूबेगी। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। 4v4 की फाइट है, दोनों तरफ से होल्ड नम होल्ड चल रहा है, कौन किस पे पहला रस मारेगा देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। और ये टूर्नामेंट है टीम डी चैंपियनशिप का इनवाइटेड स्लॉट के लिए बस, अगला जो टूर्नामेंट होगा आप सबके लिए होगा जो कि होने वाला है टीम डी आर्मी चैनल पर। जी हाँ, उस पर लाइव होने वाला है, तो जाके सब्सक्राइब बिल्कुल से कर दें तो आपका टूर्नामेंट आपके लिए जरूर आने वाला है अगला। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है। लाल अक्षरों में इतनी दूर तक खेल गए विशाल, यहाँ पे किसके लाल खोले विशाल, ओहो कोहली की काफी लो हेल्थ कर दिया, हेडशॉट काफी उम्दा और प्यारा तरीके से मारा है इन्होंने। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल 4-on-4 की फाइट इन्वॉल्व है इस वक्त दोनों ही टीमों के बीच में, देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है। बंदे को देखा है, डैमेज देने की ट्राई थी पूरी की पूरी, क्या कुछ हो पाएगा, क्या कुछ कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बंदे पूरा ट्राई कर रहे हैं दोनों तरफ से, चार चार बंदे और ओम का नजारा भी देखने नजर आ रहा है हमको दूसरे राउंड से। तो सिंगल ओम कैसी चलेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बंदे 100% दे रहे हैं। यहाँ पे टीजी माफिया की स्क्वाड में मुसीबत होगा, पहाड़ सैची 07 जरूर नॉक है, वो पीछे की तरफ है, डैमेज पड़ेगा कि इनको नहीं, माफिया लवर आगे की तरफ है और अमन कोहली पीछे से डैमेज देते हुए नजर आ रहे हैं। सैची को हील नहीं दिया जाएगा मेरे ख्याल से, अब ये हील नहीं हो पाएंगे। तो देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं फिलहाल इस राउंड के अंदर, क्योंकि दोनों टीमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। वहाँ पे एक और बंदे को नाम निकाला है, ओम का नजारा कट, अरे भाई शैडो भाई क्या मार रहा है, शैडो क्या है भाई, ये भाई साहब ओम की किल क्या ही खेल रही है लोकेश गेमर की स्क्वाड इस गेम के अंदर, बाप रे बाप। फिलहाल थर्ड राउंड और शैडो की तरफ से काफी शैडोली हेड में देखने में नजर आए, बॉडी शॉट सॉरी क्या ही ओम चलाई इन्होंने, मजा आ गया इनकी ओम देख के हमको। तो जनाब अब देखने वाली बात होगी यहाँ पे क्या कुछ करने वाली है टीजी माफिया की स्क्वाड, जब सामने लोकेश गेमर की स्क्वाड काफी तगड़ा बैटल करती हुई नजर आ रही है, काफी तगड़ा बैटल। तो देखते हैं 4v4 फाइट हमने सामने दोनों स्क्वाड, देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है फिलहाल। और यहाँ पे देखा है टीजी माफिया की स्क्वाड थोड़ी सी अंधाधुंधी में रश करते हुए मेरे यहाँ पर अमन कोहली पर, इनके चारों बंदे ऊपर थे तो इसलिए सीधा रख लिया इन्होंने, ये भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखने वाली बात हुई और ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि इस बार टीजी माफिया सीधे एक साथ टीम में खेलते हुए नजर आ रही है। शिवम ने पूरा बैकफुट पर ढकेले हुआ है पूरी स्क्वाड को, लेवल लगा के पीछे से टांगों पर प्रहार करने का पूरा ट्राई करेंगे, प्रहार सॉरी उपहार तो गिफ्ट होता है,
पर हार तो बाहर होता है, तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। 3v4 की फाइट है, 3v4 एला 7 की स्क्वाड लॉकेस गेमर की स्क्वाड है पे। देखने वाली बात होगी जब सामने टीजी माफिया होने वाली है, दोनों टीम आमने सामने काफी अच्छा बैटल कर रही है टीजी माफिया स्पोर्ट्स। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल अब तक किसी ना किसी को टपका अच्छी नहीं है 3v4 की फाइट में। देखने और यहाँ पे ये नॉक हुई तो शैडो को अब ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि शुभम को नॉक लेने गया और टीजी माफिया की स्क्वाड अब चढ़ के नजर आ रही है इस मुकाबले में। और यहाँ पे शुभम को भी नॉक ले गया, अकेले शैडो रह गए। शैडो क्या, ओ भाई 3-3 का झटका और कंप्लीट, और लोकेश गेमर की स्क्वाड खत्म और वापसी टीजी माफिया स्पोर्ट्स। कुछ होने वाला है इस मैच के अंदर, और 2-1 से फिलहाल लीड है लोकेश गेमर की स्क्वाड अगेंस्ट में टीजी माफिया स्पोर्ट्स। तो टीजी माफिया स्पोर्ट्स ने वापसी करना स्टार्ट कर दिया, टीजी टीम के साथ खेल रहे हैं। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है। माफिया लवर सिंगल ओम लेके खेलते हुए नजर आ रहे हैं, माफिया लवर सिंगल ओम लेके खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है इस मुकाबले के अंदर, देखने वाली बात होगी। 4v4 ऑन फाइट है, दोनों टीमें आमने सामने एक युद्ध में भिड़ती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं 2-1 से बढ़त में इस वक्त क्या कुछ होने वाला है। दोनों टीमें आमने सामने, बैटल काफी जोरदार है, टीमें काफी जोरदार परफॉर्मेंस कर रही हैं फिलहाल तो इस मुकाबले के अंदर। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है। अब तक दोनों तरफ चार चार बंदे हमको दिखते हुए नजर आ रहे हैं दोनों टीमों की तरफ से, 4-on-4 फाइट में खेल रहे हैं दोनों ही टीमें। क्या कुछ होने वाला है, अभी भी किसी ने किसी पर रस तक नहीं दे रही है कोई भी टीम है, दोनों टीमें होल्ड कर रही है। तो लोकेश गेमर की स्क्वाड पूरा पीछे की तरफ खेल रही है, और भाई बात करें तो चार नंबर कुछ आगे की तरफ रोटेशन लेते हुए नजर आ रहे हैं, शैडो डबल ओम चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो ओम का मजा अलग ही चखाने वाले हैं बंदों को, तो देखते हैं कैसा मजा चखाएंगे जब दो ओम चलाने वाले होंगे यहाँ पे बात करें तो लोकेश गेमर। तो देखने वाली बात होगी लोकेश गेमर की स्क्वाड LR7 वर्सेस टीजी माफिया स्पोर्ट्स का एक फ्रेंडली CS बैटल चलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। 4-on-4 की फाइट है और अभी भी होल्ड पे गेम जा रहा है, तो जोन छोटा होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों टीमें सिर्फ जीत की दरकरार ढूंढ रही है इस मुकाबले में। LR7 शिवम को काफी अच्छा डैमेज पड़ता हुआ नजर आया, तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। क्या हील कर लेंगे अपने आपको, जी हाँ हील कर लिया जरूर पूरा का पूरा। आप देखते हैं कहाँ तक बैटल खींचेगा, कहाँ तक ये गेम जाएगा जब दोनों टीमें काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। 4-on-4 बॉल लगाई है कोहली के मुंह पे अब डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। अभी भी गेम काफी अहम पारी चलेगी क्योंकि अब भसड़ मचने वाली है इन दोनों ही टीमों के बीच में। 4-on-4 की फाइट है, एक बंदा लोकेश शिवम को ले लिया गया और यहाँ पे बात के तहत लास्ट विशाल को भी नॉक ले लिया शिवम क्या कुछ कर पाएंगे क्योंकि सामने वाले बंदों की सबकी हेल्थ कम है और यहाँ पे हिल बैटल पर गेम जा रहा है पर मैच 2-2 पे आ गया है। फिफ्थ राउंड केप टाउन का राउंड है, दोनों तरफ से 2-2 का राउंड चलते हुए नजर आ रहा है दोनों ही टीमों की तरफ से। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल 2v2 सिचुएशन और यहाँ पे LR7 ने जाते ग्लू बॉल पर फरार किया है जो कि वॉल उधर ऊपर की तरफ लगी हुई थी करने के लिए, पर डैमेज कैसे बढ़ गया है ये समझ नहीं आया कि आप पर डैमेज पड़ता है क्या सीन है आई डोंट नो। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला। मन कोहली पूरा होल्ड करके खेल रहे हैं, वोल्फ और शैजी चार चार किल के साथ और चार किल के साथ शुभम भी गेम प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं इस मुकाबले के अंदर। तो देखने वाली बात होगी ये मुकाबला कैसा होने वाला है इन दोनों ही टीमों के बीच में जब पांचवा राउंड है और दोनों टीमें 2-2 ही राउंड जीती है, तो मैच काफी दामोदार देखे नजर आने वाला है, तो मैच काफी जोरदार देखे नजर आने वाला है। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल 2v2 सिचुएशन में दोनों तरफ 2-2 बंदे यहाँ पे और स्कोप लेकर ट्राई कर रहे हैं मन कोहली किसी ना किसी बंदे को खोलने का, तो क्या किसी को खोल पाएंगे या किसी को नॉक ले पाएंगे। वुल्फी को नॉक ले लेगा कहीं पर, वुल्फ को नॉक करके कंप्लीट कर दूंगी यहाँ पे बात करें तो कौन इनके पास सुबह और तेरी 10 की हेल्थ पर बचाए बंदा बस, तो क्या ही बचे हर बंदे को कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। अब 3v4 की फाइट होगी और यहाँ पर टीजी माफिया स्पोर्ट्स पर मुसीबतों का पहाड़ अब जरूर बनेगा। 3v4 की फाइट होगी, अब यहाँ पर लोकेश गेमर की स्क्वाड वापसी करना चाहिए। माफिया लवर दीवार में मुंह की मार रहे हैं शायद इसका कुछ हुआ, तो वापस आ चुके हैं फिर से नहीं वापस नहीं आए, तो यहाँ पर मुसीबत तो बनती ही जा रही है जितनी ज़्यादा देखें। चल इनका नेट इशू है फिर होल्ड कर रहे हैं और यहाँ पर माफिया लवर का नेट ही नहीं है, तो मुसीबतों का पहाड़ और ज़्यादा बन चुका है। लोकेश गेमर की स्क्वाड अब इस राउंड में गेम जीतना चाहिए और राउंड अपनी तरफ खींचना चाहिए, तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल वापस आ चुके हैं माफिया लवर इस गेम के अंदर फिर से, देखने वाली बात होगी 3v4 फाइट में क्या कुछ होने वाला है। एक और बंदे को जोन नॉक लिया है, 2v4 की फाइट है और यहाँ पर माफिया लवर अकेले बच गए हैं, अब अकेले बच गए हैं लोकेश गेमर की स्क्वाड। वापसी करते हुए माफिया और वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं, पर लवर का क्या ही शॉट दार शॉट लगा और शॉट में से एक और बंदे को लेते हुए नजर आया। तो यहाँ पर बात करते बंदे को कंप्लीट करना चाहेंगे, 1-on-3 सिचुएशन है क्या कुछ कर पाएंगे। यहाँ पर वॉल्स का ड्यू तोड़ जा रही है और ओम से कंप्लीट कर लेगा, अब बंदा अंदर आ गया ऊपर से कूद गए और यहाँ पर क्या माफिया लवर कुछ कर पाएंगे, पर नहीं शुभम क्या ही गेम प्ले कर रहे हैं 7 किल के साथ खेल रहे हैं और ट्रिपल किल इस राउंड में निकाली इन्होंने।
छठा राउंड है जो कि शिपयार्ड के अंदर बनाया और 3-2 से लीड कर रही है यहाँ पर टी जी के ऊपर। लॉकेस गेमर की स्क्वाड क्या वापसी करेगी टी जी माफिया की स्क्वाड, देखने वाली बात होगी। माफिया स्पोर्ट्स के नाम से जानी जाती है अमन कोहली की एक बेहतरीन स्क्वाड जो कि फुल मैप और सीएस के दायरे में दोनों में खेलना जानती है, और साथ ही साथ लॉकेस गेमर की स्क्वाड भी फुल मैप और सीएस में दोनों में खेलना जानती है। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो का लाइक 20,000 रहने वाला है। जो भी आ रहे हो चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब मारते चलो चैनल को, क्योंकि ऐसा बैटल कहीं और नहीं सिर्फ टीम डी के चैनल पर देखे नजर आने वाला है। तो देखते क्या कुछ होने वाला है, और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के बाद अगला टूर्नामेंट जो होने वाला है वो आप सबके लिए होने वाला है जो कि होगा टीम डी के टीम डी आर्मी वाले चैनल पर, जी हाँ दूसरे चैनल पर लाइव होगा जिसमें आप सबको खेलने की अनुमति मिलेगी। तो जनाब जल्दी जल्दी शेयर सब्सक्राइब करते चले क्योंकि अगला टूर्नामेंट जल्दी आएगा आप सबके लिए, क्योंकि बात करें एक साथ हम बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे क्योंकि साथ के साथ लाइव भी करना था तो मैनेजमेंट की कमी थी, इस वजह से पहले हमने एक छोटा टूर्नामेंट से यूनाइटेड टीमों के लिए रखा है और अगला टूर्नामेंट से आप सब टीमों के लिए ही आने वाला है। तो फिलहाल मैच काफ़ी जोरदार है, 3-2 से लीड में लॉकेस गेमर की स्क्वाड, क्या कुछ होगा। तो छठा राउंड है जो कि शिपयार्ड का राउंड है, काफी जोरदार बैटल चलता हुआ नजर आ रहा है दोनों टीमों की तरफ से, क्या कुछ होने वाला है। 3-2 से लीड में भसड़ मचने वाली है, 8 बंदे एक छोटे से कटघेरे में खड़े हो गए, क्या कुछ होने वाला है, कौन सी टीम राउंड लेने वाली है, देखने वाली बात होगी। और यहाँ पे स्वप को ले गए और टीजी माफिया की स्क्वाड क्या ही बैटल कर रही है, क्या कुछ होने वाला है। 2 बंदे टीजी के नॉक है, 3 बंदे अलर्ट है उनकी जिंदा, क्या कुछ होगा। फिलहाल जी से जाल लगी हुई है और राउंड लॉकेस गेमर की स्क्वाड खींच गई है। 7वां राउंड जो कि मार्च लक्टिस का राउंड और बैटल काफी जोरदार चलते हुए नजर आ रहा है, जी हाँ 4-2 से अच्छी खासी बढ़त बना ली है लॉकेस गेमर की स्क्वाड ने अगेंस्ट में टीजी माफिया। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल मैच काफी जोरदार और अहम पारी पे चलता हुआ नजर आ रहा है जिस हिसाब से लॉकेस गेमर और टीजी माफिया आपस में गेम प्ले करती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ होगा इस मैच के अंदर देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा एंड तक, क्या कुछ होने वाला है क्योंकि अभी आमने सामने दोनों बंदे हो गए। लाल मारा तो नहीं मारा किसी साइड शैडो ने कहीं से काफी अच्छा नजारा कर दिया ओम का, पर इनको भी हेडशॉट मार के नॉक ले लगा। 3v3 की फाइट फिर से आमने सामने, विशाल पूरा ट्राई करेंगे अपने बंदे को हिल करने का पर इनको सामना करना पड़ेगा एक बेहतरीन प्लेयर को का जो कि शॉट में चला रहे हैं, काफी अच्छे शॉट मारे जमीन में पर काम नहीं आए। अब बंदे को हिल करने के लिए शॉट कनेक्ट किया जरूर और 2 बंदे नॉक, 2v2 सिचुएशन, मैच है पारी पर दोनों तरफ से 2-2 बंदे। लॉकेस गेमर की स्क्वाड अब मुसीबत में आ सकते हैं क्योंकि शिवम और यहाँ पे साथ के साथ बचे हैं, शिवम ये तो मैं नोटिस ही नहीं किया कि 2-2 शुभम होने वाले इस मैच में, तो 2 शुभम बच गए। यहाँ पे बात करें तो क्या कुछ होने वाला है, फिलहाल 2v2 की फाइट हो गई है, सामने 2-2 बंदे होने वाले हैं माफिया लवर और वुल्फ और सामने शुभम और शुभम। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ घटित होने वाला है जब शुभम शुभम और सामने 2 लवर और साथ के साथ वुल्फ होने वाले, तो वुल्फ को बेड़े वाली चाल चलनी पड़ेगी, सामने 2 बंदों को खा जाना पड़ेगा और शुभम को सुहा करना पड़ेगा। देखने वाली बात होगी क्या होने वाला है, शुभम सीधा सीधा रेस्ट ले रहे हैं तो ये वाले शुभम काफी अच्छा कर रहे हैं, तो लास्ट 7 शुभम। तो देखने वाली बात होगी 2v2 की फाइट और काफी अच्छा डैमेज आप बंद किया, मुश्किल से 30-40 की बची होगी, 60 की बची है, 60 की बची डैमेज पूरा देख नहीं पाया था अच्छे से। तो देखने वाली बात होगी जो छोटा होता जाएगा और मुसीबतों का पार्ट बनता हुआ जाएगा गेम के तरह। एक और बंदे को नॉक ले लेगा, एक ही बंदा बचा है यहाँ पे, बात करें तो नॉक गेम की तरफ से और एक और बंदे को देखा, 1-1 फाइट में आ गया मैच और काफी जोरदार मैच चलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखने वाली बात होगी वुल्फ क्या कुछ करने वाले हैं, वुल्फ के सामने एक और बंदा होने वाला है कौन, और ट्रिपल किल वुल्फ की और मैच निकाला टीजी माफिया ने। 8th राउंड, जी हां 8वां राउंड चरम पर है और मील का राउंड है, दोनों तरफ से 4-4 बंदे और बंट टैप लाल वुल्फी का लाल, और भाई ये भेड़ी की तरह चबाते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट गेम में मैंने क्या बोल दिया कि भेड़ी की तरह फाड़ना पड़ेगा बंदों को, ये तो उसी हिसाब से सीरियस ले गए दिल पे मेरी बात शायद, और तब से भाई लास्ट गेम में ट्रिपल किल के बाद क्या ही एम पारी खेल रहे हैं अपनी तरफ से। देखने वाली बात होगी 3v4 की फाइट हो गई है, मैच काफी जोरदार चलता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। अभी भी जान और जान बाकी है पूरी टीजी माफिया में, जिस हिसाब से वापसी कर रहे हैं लड़के पूरी लॉकेस गेमर की स्क्वाड को झंझोड़ के फेंक दिया अंदर से कि हाँ जनाब इतनी आसानी से हम आपको जीत नहीं दे सकते, और शैडो को भी नॉक ले लगा, शैडो भी यहाँ पे नॉक है, ओम प्लेयर को टारगेट किया जा रहा है, पहले पिछले गेम में हमने देखा ओम प्लेयर को टारगेट किया, लॉकेस गेमर की स्क्वाड तुरंत टूटती हुई नजर आई, जो बैकअप प्लेयर है उसको नॉक ले रहे हैं पहले से, और मुसीबत का पार फिर बन जा रहा है पूरा का पूरा लॉकेस गेमर की स्क्वाड में। 2v2 सिचुएशन है, 2-2 बंदे नॉक हो गए, 3rd बंदे कोहली की बैट पर, अब मुसीबत पैदा हो गई है, अब मुसीबतें पैदा हो गई है क्योंकि एक बंदे के पीछे 3-3 बंदे गए, फिर दूसरे बंदे ने क्या ही ठिकाने लगाए, अमन कोहली की भी हेल्थ है नहीं, 1-1 फाइट में लेने वाले 2-2 बंदे, यहाँ पे हील करेंगे अपने बंदे को, हील करने के लिए आ चुके हैं, सैची को हील किया जाएगा और उधर से कौन किसको हील करेगा, और 2-2 बंदे हील हो गए, 2-2 बंदे ही लगे, क्या शैडो को रिवाइव मिल सकता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी नहीं, शैडो को नहीं रिवाइव किया जाएगा यहाँ पे, 2v2 की फाइट पर चुकी है और हेल्थ तो और क्या ही शॉट दिए, काफी अच्छा डैमेज दिया है इन्होंने कोहली को, हील कर लेना चाहिए था तो क्योंकि बंदे ने डैमेज बहुत ज्यादा दे दिया बंदों को। 2v2 की फाइट है, 2-2 बंदे इतने लो हेल्थ पर खेल रहे हैं और एक और बंदा नॉक, और यहाँ पे लॉकेस गेमर की स्क्वाड अब वापसी करती हुई नजर आएगी क्योंकि मैच में बढ़त ले लिया है 5-3 से।
नाइन्थ राउंड जो कि क्लॉक टावर के अंदर बना और 5-3 से बढ़त ले लिया लॉकेस गेमर के स्क्वाड ने अगेंस्ट में टीम माफिया स्पोर्ट्स। तो देखते हैं ये लड़के क्या कुछ करने वाले हैं। वुल्फ लॉक किल के साथ खेल रहे हैं, एक बेहतरीन पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं और स्वम भी साथ खेल रहे और यहाँ पे डैमेज 272 का लाल स्वम लाल फटकों में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लाल ही लाल मार रहा है बंदा, क्या ही साथ खेल के साथ बंदे को रिवाइव कर लिया जाएगा और बंदों को बोल देंगे जनाब आप रस करो इस गेम के अंदर। और मैंने एक बंदे को खोल दिया है, माफिया लवर का हेडशॉट काफी अच्छा पड़ा इनको। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है, पर माफिया की जो एक साथ यूनिटी दिख रही है किसी में हिम्मत नहीं हुई कि हम रस करते बंदे को और कंप्लीट करते क्योंकि चारों बंदे एक साथ यूनिटी में। शिवम ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे, विशाल ऊपर से बैकअप देंगे, यहाँ पे शैडो भी पीछे की तरफ ओम चला रहे हैं और शिवम भी ऊपर की तरफ ही देखे में चला रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी राउंड कहाँ तक जाने वाला है, देखने वाली बात होगी माफिया की स्क्वाड कब तक फंसे रहने वाली है इस जगह पे। तो क्योंकि ऊपर जो एक बंदा है ना वो काफ़ी अहम पारी रहेगा। ये भाई क्या घेरा है लोकेश गेमर की स्क्वाड ने, बात करें यहाँ पे एक बंदा यहाँ पर सीढ़ियों पे वेट करेगा, एक बंदा यहाँ पे जैसे कोई बंदा साइड आएगा उसको ले लेगा, एक बंदा ऊपर से बैकअप देगा जो इधर उधर होगा, एक बंदा पीछे से मारेगा जो इधर उधर होगा। तो पूरी तरह से घेर लिया गया है यहाँ पे। बात करें तो माफिया के स्क्वाड को जितना ज़्यादा साथ रहेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। और एक और बंदा नॉक, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसीबतों का पहाड़ बनता हुआ नजर आ रहा है। डबल किल आ चुकी है यहाँ पे LR7 विशाल की तरफ से, 2v4 अकेले सैजी रह गए हैं। तो सैजी ने दोनों बंदों को जो लौटा भाई ये पागल हो गया रे, तीन तीन किल मार दी, तीन तीन बंदे नॉक निकाल दिए सैजी सर। कह सकते हैं ये 10वां राउंड है और साथ के साथ लॉकेस गेमर की स्क्वाड एक बेहतरीन बैटल कर रही है अगेंस्ट में टीजी माफिया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो का लाइक एम 25 के रहने वाला है, जी हाँ 25,000 इस वीडियो का लाइक एम रहने वाला है। जो भी आ रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब मारते चलो और शुभम को जरूर नॉक लेके। पर अब टीजी माफिया सैजी का हाथ गर्म है क्योंकि लास्ट गेम हमने देखा था तीन तीन बंदे जरूर नॉक लिए थे। तो इस बंदे के अंदर काफ़ी दम है, काफ़ी जिगरा है, काफ़ी ज़्यादा गेम प्ले अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बात करें टीची के बंदे भी और लॉकेस गेमर के भी, तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो का लाइक एम 25 के रहने वाला है। जो भी आ रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब मारते चलो और साथ ही साथ दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, TMDR Army, क्योंकि उस पर लाइव होने वाला है अगला टूर्नामेंट आप सबके लिए होगा, वो हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि उस सबके लिए हम सब कुछ रेडी कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे ये टूर्नामेंट खत्म होगा दूसरा टूर्नामेंट तुरंत ऑर्गेनाइज हो जाएगा आप सबके लिए। तो फिलहाल इसमें सपोर्ट की कमी नहीं होनी चाहिए। देखते हैं 3-on-4 की फाइट में क्या कुछ होने वाला है। माफिया की स्क्वाड साथ के साथ लॉकेस गेमर की स्क्वाड 3v4 फाइट में बैटल ले रही है काफी अच्छा खासा। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है। सैजी को जरूर नॉक ले लिया है, सैजी नॉक जरूर है, क्या इनका नॉक होना इफेक्ट करेगा टीम टीची माफिया के ऊपर देखने वाली बात होगी। महिरा गिल बॉल देती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। बात करें तो देखने वाली बात होगी लड़कों को यहाँ से जूझ दिया जा रहा है बंदियों की तरफ से। तो देखते हैं 2v4 की फाइट अब मैच में शायद मैच पॉइंट मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर बात करें तो टीजी माफिया की तरफ से क्योंकि लॉकेस गेमर की स्क्वाड की तरफ से विशाल नॉक किल पा चुके हैं काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए और दो ही बंदे रह गए माफिया स्पोर्ट्स की तरफ से। तो देखते हैं टीजी माफिया स्पोर्ट्स क्या कुछ करने वाली है। लास्ट पॉइंट है, मैच पॉइंट है, उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि ये लड़के वापसी करो और मुंह तोड़ जवाब दिया जाए इन लड़कों की तरफ से लॉकेस गेमर की स्क्वाड को। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल 2v3 की फाइट हो गई है, काफ़ी अच्छा बैटल हो रहा है। जोन पे वॉल लगा दी गई है, वो जोन को रोकने की सलाह है पूरी बंदों की। तो देखते हैं और बंदे सामने से आएंगे, डैमेज दिया है बंदों ने। तो देखने वाली बात कोई लवर पूरा ट्राई करेंगे और वुल्फ भी पूरा ट्राई करेंगे। 67 शॉट दिया है, पता है 200 बार हुआ बंदा नौकर पर सीधा जाना था, उस चक्कर में मौत मिली और आप अकेले कोई नहीं बचा और मैच जीत गई लॉकेस गेमर की स्क्वाड अगेंस्ट में टीजी माफिया। और बात करें लॉकेस गेमर की तरफ से 10 किल विशाल की रही अगेंस्ट में, बात करें तो वुल्फ की 9 किल रही। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।